हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेथी की एक मज़ेदार रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मेथी। मेथी को मैंने धुल करके बारीक काट लिया है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई पत्तेदार सब्जियाँ काटें उसको काटने से पहले अच्छे से धुल कर तभी काटा करिए, नहीं तो पानी के साथ उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों का तेल। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तेल को इतना गर्म करना है कि उसमें से धुआं निकल जाए। अब उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा को चटकने के लिए छोड़ देंगे। जीरा चटक चुका है, अब इसमें मेथी के पत्तों को डाल देंगे। इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मेथी भून चुकी है। इसको लगभग मैंने 4 मिनट तक भूना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। मैंने लिया है गेहूँ का आटा, उससे थोड़ा सा कम बाजरे का आटा और 2 बड़े चम्मच मलाई। तो चलिए फटाफट आटा तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बर्तन में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें डालेंगे इस मेथी के पत्तों को जिसको मैंने भून के रखा है और ठंडा हो चुका है, और इसमें डालेंगे मलाई को। मलाई डालने से यह रेसिपी बहुत ही खस्ता बनती है और उसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। इसमें डालेंगे बाजरे का आटा। गेहूं के आटे को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ये बहुत ही कम तीखा है, आप चाहे तो हरी मिर्ची को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। जीरे को मैंने भून करके दरदरा पीस लिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों में क्रश करके अच्छे से डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन सबको मिक्स करते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। पहले हम साग से ही आटा गूंथने की कोशिश करेंगे। अगर पानी कम लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि साग से पानी अभी निकलेगा। आटे को मैंने गूंथ लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। अब आटे का छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। इस तरीके से सारे आटों का बॉल तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से सारे बॉल को तैयार कर लेंगे। सारे बॉल मैंने बना लिए हैं। अब गैस पे चढ़ाएंगे अप्पे मेकर को। फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगा। अप्पे मेकर को मैंने गर्म होने के लिए रखा है। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है। ये गर्म हो चुका है, इसमें सारे बॉल्स को डालेंगे। सारे बॉल्स को मैंने डाल दिया है, अब इसे खाली से ढक देंगे। इसको 3-4 मिनट के बाद फिर से पलट लेना है। हर 3-4 मिनट के बाद इसे पलटते रहिएगा, नहीं तो यह जल जाएगा। फ्रेंड्स, 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। इसे हम दूसरे साइड पलट देंगे। देखिए, एक साइड का हो चुका है। अब सारे बाटी को पलट देंगे। इसको लगभग 10 मिनट तक ढक करके सेकना है। बीच बीच में आप इसे पलटते रहिएगा ताकि यह जले नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हेल्दी टेस्टी बाटी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको बनाने में केवल लगभग 9-10 मिनट ही लगे हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।
मैंने बाटी में देसी घी लगा लिया है। बिना देसी घी के यह रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है, तो आप देसी घी ज़रूर लगाइएगा। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, तो आप भी इसे ट्राई करें। देखिए मेरी बाटी कितनी अच्छी लग रही है, इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। इसी तरीके की अच्छी एंड क्विक रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।